भारत नेपाल सीमा पर लगे महाराजगंज जनपद की सुरक्षा में तैनात सशस्त्र सीमा बल की 66वीं बटालियन में रक्षाबंधन के पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। एनसीसी कैडेट और स्कूल की छात्राओं ने एसएसबी जवानों को राखी बांधकर उनके स्वस्थ जीवन की कामना की है। भाई बहन के इस पवित्र पर्व पर जवानों ने खुशी जाहिर करते हुए बहनों को आशीर्वाद दिया और उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने का वचन भी दिया। तो मैं सबसे पहले सभी बहनों को राखी की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और ये हम बलों के लिए काफ़ी खुशी और एक गर्व का दिन है, क्योंकि हम घर से इतनी दूर होने के बावजूद भी ये राखी जो हमारे कलाई पे आज शोभा दे रहा है वो इन बहनों का प्यार है और बहनों का आशीर्वाद है जो हमें मिल रहा है। हम बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं जिससे हम त्यौहार पर घर नहीं जा पाते हैं, तो ये बहनें यहाँ पर आई हैं और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि बहनें ये हमारे पास आई राखी बांधने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, हमारी तरफ से सभी भाई लोगों की तरफ से बहन भाइयों बहन को लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बस ऐसे आती रहें, प्यार बना रहे बहनों के लिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारी रक्षा करते हैं अपने घर परिवार से दूर रह के, तो अपनी बहनों से दूर रह के तो राखी नहीं बना पाते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनकी कलाई सुनी ना रखें। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, जो सारे यहाँ के जो भाई हैं वो अपनी बहनों को छोड़ के आए हैं, तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम उनका रक्षा करें, हम उनकी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करें और कि वो सही से रहें, और हमें रक्षाबंधन बांध के उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे भैया लोग अपने घर परिवार को छोड़ के आके यहाँ रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, तो हमारा भी फर्ज है, हमारा भी दायित्व है कि हम उनकी बहन की पूर्ति करें। हम अपने घर से आए हैं इनके लिए रक्षाबंधन लेके, इनकी कलाई सूनी ना रहे बांधने के लिए, और हमें बहुत ही खुशी हो रही है, ऐसा सौभाग्य हमारा मिला है, हम बहुत ही प्रसन्न हैं, ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि इनकी कलाई पे रक्षाबंधन बांधें।